नमस्कार, मैं कुमारी नूतन नवसेजी प्राथमिक विद्यालय कटहरा प्रखंड बेलहर जिला बांका की एक शिक्षिका हूँ। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मंच पर सभी शिक्षकों बच्चों एवं अभिभावकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। मैं पिछले वीडियो में वर्ग तृतीय का पर्यावरण पानी अध्याय 14 लेकर आई थी, उसका पार्ट 2 लेकर आई थी। आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। कुछ क्वेश्चन आंसर बच गए हैं और उसके बाद जल संरक्षण, जल को पानी को हम कैसे संरक्षण कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे जमा रख सकते हैं, उसके बारे में कुछ कहानी दी गई हुई है। मैं आपको भी सुनाती हूँ। बच्चों आप भी किताब निकाल लीजिए और आप देखिए जल संरक्षण में, पानी के अध्याय में ही जल संरक्षण है, उसमें क्या दिया गया है। रीचा और राधा दोनों सहेली हैं। रीचा बिहार में रहती है और राधा राजस्थान में। रीचा कहाँ रहती है? बिहार में, और राधा राजस्थान में। दोनों अलग अलग स्टेट हैं, राज्य हैं। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रीचा राधा के घर गई। एक बार गर्मी की छुट्टी हुई विद्यालय में, तो रीचा राधा के घर गई। राधा कहाँ की रहने वाली थी? राजस्थान की। रीचा बिहार से राजस्थान राधा के घर गई। रीचा ने राधा के घर के आंगन में एक बड़ा गड्ढा भी देखा। बहुत बड़ा एक गड्ढा किया हुआ है। इस पर रीचा को बहुत अचरज हुआ, आश्चर्य लगा कि आंगन में ऐसे गड्ढा करके क्यों रखा गया है भाई, कोई गिर जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, क्या बात है, क्यों? बहुत सारे सवाल रीचा के मन में उत्पन्न होने लगे। उसने राधा से पूछा कि तुम्हारे घर में गड्ढा क्यों बना हुआ है? जब रीचा को रहा नहीं गया तो राधा से उसने सवाल कर ही लिया कि तुम्हारे आंगन में ये गड्ढा क्यों किया गया है। राधा ने कहा कि इस गड्ढे में हम बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं। अब क्यों करते हैं? फिर इसका विभिन्न कामों में उपयोग करते हैं। रीचा ने कहा कि हमारे यहाँ भी गर्मियों में पीने की पानी की कमी हो जाती है, हम लोगों को भी पानी बचाने के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए। तब रीचा को लगा कि हमारे यहाँ भी तो गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है, तो हम लोग भी क्यों ना बरसात के पानी को गड्ढा में जमा करें। उस बरसात के पानी को जमा करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। खेतों में पानी दिया जा सकता है, घर के कामों में लाया जा सकता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको मैं बताती हूँ। क्या आपके घर पर बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता? यदि किया जाता है तो कैसे? अगर आपके घर में बरसात का पानी गड्ढा खोदकर क्या इकट्ठा किया जाता है, यदि किया जाता है तो कैसे किया जाता है, आप उसको लिखें। 17वां क्वेश्चन है, हम लोग पानी बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? पहले तो गड्ढा कर सकते हैं, उसमें पानी जमा कर सकते हैं। जैसे नल अगर हमारे घर में है तो हम नल को नाली बना करके और उसका एक गोल सा बना करके उसमें पानी संरक्षण कर सकते हैं। जो पानी निकलता है नल से, जो हम लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, खाना बनाने के लिए जैसे कि सब्जी वगैरह धोते हैं। चावल धोते हैं, दाल धोते, उस पानी को हम पौधे में डाल सकते हैं। इससे हमारा पौधा को खाद भी मिल जाएगा और पानी का संरक्षण भी हो जाएगा। एक्स्ट्रा पानी हमको वृक्ष में, पौधे में, फूल में, पत्ती में नहीं देनी पड़ेगी। नहीं, चित्र देखकर बताइए कि एक बार में उपयोग लाया गया पानी किस प्रकार दूसरे काम में लिया गया है। एक प्रकार ऐसे ये चित्र में दिया गया है कि यहाँ एक आदमी गाय को स्नान करवा रहा है और नीचे क्या है, पौधे लगे हुए हैं। हाँ, तो ये जो पानी गाय को स्नान करवा रहा है तो वो पानी पौधे में जा रहा है, दूसरा काम हो रहा है, इससे पौधों का सिंचाई हो रहा है। नहीं, अब है क्या पानी का दोबारा उपयोग करने का और कोई तरीका भी हो सकता है? सोच कर बताइए। बिल्कुल हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि आप
सब्जी धोते हैं, चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, उस पानी को एक बाल्टी में इकट्ठा कर लें और उससे आप पौधों को सींचें, फूल पत्ती को सींचें, या जो घर में भी पौधे लगाते हैं उसके लिए भी वो बहुत ही अच्छा खाद है, उससे पौधे बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं। दूसरा काम है, यदि कपड़ा धोते हैं तो उस पानी को एक जगह रख करके, जिससे कि हम कपड़ा जिसमें फलाते हैं उस पानी को रखकर हम अपने लैट्रिन में, बाथरूम में यूज कर सकते हैं धोने के काम में, या पानी को देने के, लैट्रिन में देने के लिए वो पानी को हम यूज कर सकते हैं। चित्र देखिए और बताइए, चित्र अ में क्या हो रहा है, चित्र ब में क्या हो रहा है, आपको दोनों में से कौन सी बात सही लगती है और क्यों? ये जो चित्र दिया गया है, ये चित्र है अ और ब, ये दोनों में से आपको सही कौन सा लगता है और क्यों लगता है? इसमें ज्यादा पानी एक ही कपड़े को धोने के लिए बर्बाद किया जा रहा है, और इसमें कम पानी में, धीरे धीरे पानी में चला करके कपड़े को धोया जा रहा है, तो ये सही है नहीं? अब ये पानी का पाठ आज खत्म होता है, ये अंतिम भाग था। मैं फिर अगले वीडियो में अध्याय 15 लेकर आऊंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।